गांधी, डीलर का चल रहा है मनमानी, कम राशन कर रहे हैं वितरण, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। खरौंदी प्रखंड से चंदेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खरौंदी प्रखंड के कुंपा पंचायत के ग्राम चौरिया में सरस्वती वाहिनी स्वयं सहायक समूह के द्वारा जन वितरण का राशन मिलता है, जिनमें कार्डधारियों को डीलर विमला देवी पति दुधेश्वर यादव के द्वारा बराबर कम राशन दिया जाता है, जिसको लेकर शनिवार को कार्डधारियों के द्वारा हंगामा किया गया। इसकी सूचना खरौंदी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान तथा उप प्रमुख देवदत्त प्रसाद आर्या को दिया गया। दोनों जनप्रतिनिधियों के तत्पर्यता दिखाते हुए वहां पर पहुंचे और इनकी जांच की। जांच में सत्यता पाई गई। कार्डधारियों को कम राशन दिया जा रहा है, इसको लेकर ग्रामीण जनता के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खरौंदी के नाम पर एक आवेदन बनाया गया, जिसमें ग्रामीण जनता ने मांग किया कि जन वितरण प्रणाली के संवेदक पर प्राथमिक दर्ज करते हुए जन वितरण प्रणाली के लाइसेंस को रद्द किया जाए और हम सभी लाभुकों को दूसरे डीलर के पास राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। जिनका राशन कम मिलता है उनका नाम इस प्रकार है। सुकैन चौधरी को 70 किलो के जगह 61 किलो मिल रहा है। धुधर मणि देवी को 60 किलो के जगह 57 किलो मिला है। बिग्नी कुंवर को 70 किलो के जगह 66 किलो मिला है। विमला देवी को 80 किलो के जगह 76 किलो मिला है। डोमन चौधरी को 60 किलो की जगह 56 किलो मिला है। जनता का जुबान। हम लोग को पहले से ही जन वितरण प्रणाली के संवेदक विमला देवी पति दुधेश्वर यादव पर शक था कि ये हम लोगों को कम राशन देती हैं। जब हम लोगों ने 10 कदम दूर आकर इसका माप तोल किया तो इसके 2 किलो, किसी में 3 किलो, किसी में 4 किलो, इस तरह से राशन कम हम लोगों को मिल रहा है। कुंपा पंचायत के चौरिया गाँव में डीलर द्वारा जो है कार्डधारियों को राशन कम दिया जा रहा है, इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? कुंपा पंचायत के चौरिया गांव में आज जो जन वितरण प्रणाली के डीलर द्वारा प्रति एक राशन कार्डधारी के 5 से 6 किलो कम दिया जा रहा है, जी जी, जो यह सरासर गलत है जी। यह सरकार द्वारा 1 रुपया में 1 किलो चावल देना है जी जी। यह यहाँ चौरिया में जो समूह के डीलर हैं यह गलत दिए हैं, यह गलत किए हैं, यह बख्शा नहीं जाएगा जी। हम लोग ऊपर तक इसका शिकायत करेंगे जी और जनहित में काम करेंगे जी। आपका परिचय सर? मैं देवदत्त प्रसाद, उप प्रमुख खरौंदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।